हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे कमेंट बहुत सारे ईमेल आ रहे थे कि सर हमें जो है ना सिल्वर वीज के बारे में कोई ऐसी स्ट्रेटजी बता दो जिससे हम रेगुलर बेस पे इसमें से इनकम को जनरेट करते रहे। तो आज आपके सामने मैं बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार सिल्वर वीज की एक स्ट्रेटजी लेके आया हूँ, जिसको आपने अगर ठीक तरीके से समझ लिया तो आप रेगुलर बेसिस पे इससे प्रॉफिट तो बना ही सकते हैं। तो आप तो क्या कोई छोटा सा बच्चा भी इस स्ट्रेटजी को लगा के कंटिन्यू प्रॉफिट बना सकता है सिल्वर बीज से। तो क्या है स्ट्रेटजी, स्टेप बाय स्टेप हम समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए पूरा। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का आइकन को दबाइए, ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो चलिए इसके लिए चलते हैं अपने चार्ट पे और शुरू करते हैं वहाँ पे स्ट्रेटजी क्या होने वाली है सिल्वर बीज के ETF पे, जिसमें आप रेगुलर इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और बहुत ही सिंपल से स्टेप है, ना तो आपको इसमें कोई टेक्निकल देखना है ना फंडामेंटल देखना है। आपको इतनी साधारण स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में कि आप बहुत ही आसानी से इसमें काम कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं या आप जो है बहुत बेहतरीन मजे हुए ट्रेडर भी हैं। और जो भी स्ट्रेटजी हमारी वो सारी रहने वाली है स्विंग ट्रेडिंग की। तो ये देखिए, इस समय मैंने सिल्वर बीच का चार्ट आपके सामने लगा रखा है। यहाँ पे इस समय एक यूनिट का जो प्राइस है सिल्वर का वो आपके सामने है, कितना है सर, 73 रुपये और इसी के साथ साथ 11 पैसे, क्योंकि मार्केट लाइव है तो ये प्राइस जो है बदलता रहेगा। ठीक है, ईयरली अगर आप इसके रिटर्न देखेंगे, एक साल में जो इसने आपको रिटर्न बना के दिए हैं वो अभी तक दिखा रहा है ये 8.49%, यानी कि लगभग 8.5% के रिटर्न आपको सिल्वर बीज ने बना के दिए हैं। एक बार हम इसी के साथ साथ बनडे का भी हाल देख लेते हैं कि इसका अभी जो है क्या हाल चल रहा है। देखिए, इक्विटी मार्केट तो लगातार दबाव में है, कल से लेके लगातार प्रेशर झेल रहा है, लेकिन वहीं पे आप अगर सिल्वर को देखेंगे तो जो है ये अभी भी पॉजिटिव की तरफ है। और जो दबाव कल था मार्केट पे, इक्विटी मार्केट पर, वो आज नहीं है। वहाँ पे ETF ने बहुत ही अच्छा बाउंस बैक दिया, पूरे मार्केट ने ही लगभग बाउंस बैक दिया है आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से। ये भी हम एक नज़र थोड़ा सा मार्केट पर मारेंगे, उसके बाद में मैं आपको बिल्कुल सिल्वर बीच की एक बेहतरीन और सिंपल सी स्ट्रेटजी आपके साथ साझा करूंगा, जिसमें आप ट्रेडिंग करके रेगुलर बेसिस पे पैसे यहाँ से बना सकते हैं। तो एक बार हम चलते हैं NSE इंडिया की वेबसाइट पर और यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट का हालचाल अभी क्या चल रहा है। तो देखेंगे, कल आपको मैंने दिखाया कि निफ्टी बीच जो है रेड निशान में बनता है, यानी कि 1.5% के आसपास की गिरावट थी। आज की डेट में देखेंगे 0.5% की लगभग तेजी है। निफ्टी Next 50 में भी तेजी है और इसी के साथ साथ मिड कैप में भी तेजी है, निफ्टी बैंक में भी तेजी है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में भी तेजी है। तो आज जो है पूरा मार्केट लगभग ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है और मार्केट क्लोज होने में अभी बस कुछ थोड़ा सा ही समय बाकी है। तो ओवरऑल मार्केट जो है अप ट्रेंड में ही है और रेगुलर बेसिस पे ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। जो सबसे बढ़ने वाले शेयर हैं वो आपके सामने इस समय, यानी कि है ना, कौन से गेनर, Top 10 गेनर Nifty 50 के और Top 10 लूजर। तो गेनर और लूजर आप यहाँ से देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि NSE की वेबसाइट से आप बहुत ही आसानी से इसमें देख सकते हैं जाके। इसी के साथ साथ चलिए अब हम चार्ट पे चलते हैं और वहीं पे समझने का प्रयास करते हैं कि वो स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है जिस स्ट्रेटजी के थ्रू आप काम करके रेगुलर बेस पे प्रॉफिट यहाँ से बना सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, ये सिल्वर बीज का ना ETF है। क्या है ये? ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। आप इसको एक्सचेंज पे कभी भी लाइव मार्केट में, यानी कि CMP पे, आप इसको बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, इतना तो आपको क्लियर है। ठीक है सर, अभी इसके एक साल के जो मैंने आपको रिटर्न दिखाए वो लगभग कितने थे, 8.49, यानी कि लगभग 8.5% के आसपास के रिटर्न इसने आपको दिए हैं। तो देखिए, इतनी सिंपल स्ट्रेटजी है कि इसे कोई भी बच्चा भी बहुत आसानी से कर सकता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू लेके चलूंगा कि आपके पास इतना कैपिटल है तब आपको फंड का मैनेजमेंट कैसे रखना है और इसी के साथ साथ आपको इसमें ट्रेडिंग करके कैसे जो है पैसे को बनाना है। अब आपके पास कितना भी कैपिटल हो सकता है, लेकिन मैं तो एक एग्जांपल लेके चलूंगा। और इसमें काम करने के लिए आपको एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट लगेगा। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं आपको बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त ब्रोकर के, उनके साथ जाके आप अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है और वहाँ पर आपका AMC बिल्कुल फ्री है, वो भी नहीं लगेगा, वो भी आपको लगने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए हम एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं कि आपके पास अगर इतना कैपिटल है तो आप इसमें कैसे जो है काम कर सकते हैं। ठीक है सर, तो मैं मान के चलता हूँ, एग्जांपल के लिए लेता हूँ कि आपके पास अगर 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो आपको सिल्वर बीज में काम करके रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट आप यहाँ से कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है सर, तो लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा पूरा पक्का पक्का कि एक साल में इसने क्या रिटर्न दिए हैं। तो देखिए, आप बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं। अभी देखिए 8.5% के रिटर्न दिखा रहा है एक साल में। ठीक है,
क्योंकि मार्केट जो है इस समय लाइव है, ठीक है सर। तो 8.5% के रिटर्न दिए, तो आप क्या करेंगे, या तो भैया जो थोड़ा बहुत ही कम रिस्क चाहते हैं और जल्दी जल्दी रोटेशन चाहते हैं अपने कैपिटल का, यानी कि आप वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी मेरा पैसा जो है वो रोटेट होता रहे, घूमता रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके 10 हिस्से बना सकते हैं। देखिए मार्केट में कभी तो पैसा एक साथ तो लगाना नहीं है, मार्केट में पैसा हमेशा आपको सिप वाइज या लॉट वाइज ही खरीदारी करनी है। अब एक कमेंट और था कि कितने रुपए का लॉट होगा, तो सर मैंने लॉट आपको बताया, अब देखिए ये लॉट ही है एक, है ना, एक लॉट है 10,000 रुपये का। अगर आप 10 हिस्से बनाते हैं तो एक लॉट में आप कितने की खरीदारी करेंगे, 10,000 रुपये की, ठीक है सर। अब इसमें कितने ETF आएंगे, तो जितना भी आपका इसका प्राइस चल रहा है CMP प्राइस, उससे भाग कर दीजिए 10,000 को, तो जितनी भी क्वांटिटी आएगी वो आप ले सकते हैं, सिंपल सा तरीका है, ठीक है सर। तो पहली खरीदारी आपने कर ली CMP पे, ठीक है सर, कितने की, 10,000 रुपये की, बिल्कुल आराम से समझिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है सर। अब आपको क्या करना है, 10,000 रुपये आपके लग गए, 90,000 रुपये आपके पड़े हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट रहेंगे कि सर 90,000 रुपये जो हैं वो तो हमारा फ्री पड़ा हुआ है, उसका क्या करें, तो आप इसका लिक्विड वीज खरीद सकते हैं। क्या खरीद सकते हैं, लिक्विड वीज में आप जो है ये पैसा डाल सकते हैं। इससे आपका क्या होगा कि जो पैसा हर 3 महीने के बाद जो डीमैट अकाउंट से बैंक में चला जाता है, एक तो आपको वो ट्रांजेक्शन बचेगा, वो बिल्कुल जाने वाला नहीं है क्योंकि आपने लिक्विड वीज खरीद रखा है, और लगभग 4 से 5% का जो है ये रिटर्न भी आपको लिक्विड वीज यहाँ पे प्रोवाइड करके देता है। तो आप अपना बाकी का 90,000 लिक्विड वीज में रखिए। अब आपको क्या वेट करना है कि आपको देखना है कि अगर अगर जो है सिल्वर वीज 2% ऊपर की तरफ जाता है, तब तो आपको करना है प्रॉफिट बुक, ठीक है। और अगर ये 1% भी डाउन हो जाता है, यानी कि 1% अगर ये डाउन हो जाता है, ठीक है सर, ध्यान से समझिए, 1% अगर डाउन हो जाता है, तो आपको अपना सेकेंड लॉट इसमें जो है क्या कर देना है, सेकेंड लॉट की फिर जो है बाइंग कर लेनी है। क्या करने नहीं है, बाइंग, कितने का है सेकेंड लॉट भी, वो भी 10,000 रुपये का है, ठीक है सर। अब आपकी खरीदारी 20,000 रुपये हो गई, ठीक है, लेकिन आपको जो प्रॉफिट रखना है, जो भी आपका एवरेज प्राइस आएगा 2 लॉट में, उसमें आपको 2% ही रखना है, आपको 2% ही लेना है टोटल बाइंग पे, और उसके बाद आपको जो है इससे एग्जिट मार देना है। और जिस दिन भी आप एग्जिट मारेंगे, उस दिन फिर CMP से खरीदारी शुरू करनी है, लेकिन वो नेक्स्ट डे करनी है, उस दिन बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है सर, नेक्स्ट डे से बाइंग करनी है। आपको कोई टेक्निकल नहीं देखना, कोई फंडामेंटल नहीं देखना, कोई VWAP नहीं देखना, कोई लो नहीं देखना, हाई नहीं देखना, कुछ भी नहीं देखना, बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रेटजी है। पहली खरीदारी CMP पे 2% का प्रॉफिट, 1% अगर डाउन जाता है, तो आपको नेक्स्ट लॉट बाई करना है, सेकेंड लॉट, फिर अगर आपके एवरेज प्राइस से 1% फिर डाउन आ जाता है, तो आपको जो है सेकेंड लॉट भी आपको जो है इसमें, थर्ड लॉट भी आपको जो है इसमें खरीद लेना है, यानी कि थर्ड लॉट की खरीदारी भी आपको इसमें कर लेनी है, उसकी बाइंग कर लेनी है। ऐसे ही आपको काम करना है, हर 1% की गिरावट पर, हर 1% की गिरावट पर आपके एवरेज प्राइस से आपको जो है इसमें एक लॉट की खरीदारी करनी है, और जैसे ही प्रॉफिट 2% आता है आपके एवरेज प्राइस से, आपको प्रॉफिट बुक करना है। आप देखेंगे कि आप सिल्वर बीस से रेगुलर चांदी काटते रहेंगे, और रेगुलर जो है आप प्रॉफिट इससे निकालते रहेंगे। अब जो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, उनके लिए क्या करना है, ये तो ताकि आप बिल्कुल सेफ इन साइट रहेंगे। देखिए आप चांदी में काम कर रहे हैं, आप किसी भी शेयर में काम नहीं कर रहे, आप किसी कंपनी को नहीं खरीद रहे हैं, आप किसी कंपनी का स्टॉक नहीं खरीद रहे हैं, आप चांदी में काम कर रहे हैं, उसमें भी ETF में काम कर रहे हैं, आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम नहीं कर रहे हैं, आप फ्यूचर नहीं खरीद रहे हैं कि टाइम डिके हो जाएगा, एक्सपायरी के दिन 0 हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको आज लेके आज कल परसों 5 साल 10 साल आप कभी तक भी इसको जो है होल्ड कर सकते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं, तो आपका रिस्क वैसे भी यहाँ पे 0 की तरफ हो जाता है, ठीक है सर। ये समझ में आया उनके लिए जो थोड़ा सा जल्दी जल्दी अपनी मनी को रोटेट करना चाहते हैं। अब जो थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम कर सकते हैं, तो वो दूसरी स्ट्रेटजी क्या लगा सकते हैं कि 1 लाख के आप जो है 5 हिस्से कर लीजिए, ठीक है सर, कितने, 5, तो ये कितने का बनेगा, एक हिस्सा आपका 20K का, यानी कि 20,000 रुपये का। पहली खरीदारी आपने CMP पे कर ली, 80,000 रुपये आपके पास अभी भी पड़ा हुआ है, उसको आप लिक्विड वीज में डाल के रखिए, जैसी 2% का फॉल आए चांदी में, आप जो है सेकेंड लॉट इसमें खरीद लीजिए, ठीक है सर, आप जो है सेकेंड लॉट की इसमें खरीदारी करिए 2% के फॉल पे, ठीक है, 2% के फॉल पे कीजिए, और फिर अगर 2% का फॉल आए आपके एवरेज प्राइस से, फिर आप जो है इसमें थर्ड लॉट की खरीदारी करिए 20,000 रुपये की, ठीक है, लेकिन आपको प्रतिशत भी
2% की प्रॉफिट ही लेने हैं, और मैक्सिमम मैक्सिमम आप 3% के प्रॉफिट ले सकते हैं। तो इससे होगा क्या, एक तो आपका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर लगेगा, किसके अंदर, सिल्वर वीज के अंदर, ठीक है, अधिक से अधिक पैसा आपका सिल्वर वीज के अंदर जाएगा, और जल्दी जल्दी आपका पैसा रोटेट होगा, क्योंकि अगर आप टारगेट छोटा रखते हैं तो आपका प्रॉफिट जल्दी जल्दी बुक होगा, आपका पैसा रोटेट होता रहेगा और आप बहुत ही जल्दी जल्दी प्रॉफिट यहाँ से निकालते रहेंगे। तो रेगुलर बेस पे प्रॉफिट निकलेंगे आपके, बहुत जल्दी से निकलेंगे, बहुत तेजी से निकलेंगे। और बहुत सारी स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ साझा की हुई है, जिनका पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है मैंने, उस पर मैंने बताया किस ETF में कौन कौन सी कंपनियां हैं, कौन कौन से सेक्टर हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजी लगा के आप ETF में बिल्कुल सेफ स्विंग ट्रेडिंग करके वीकली और मंथली पैसे बना सकते हैं। तो एक बार उसे भी विजिट करिए, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ एक बार फिर समराइज कर देता हूँ, पूरा का पूरा जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है। सिल्वर वीज में काम करने के लिए ना तो आपको कोई टेक्निकल देखना है, ना कोई फंडामेंटल देखना है, कुछ भी नहीं देखना, ना BVAP देखना है, ना लो देखना है। आपको पहली खरीदारी CMP पे करनी है, दूसरी खरीदारी 1% गिरावट पे करनी है, और अगर प्रॉफिट बुक करें तो 2% के जो है आप प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाइए। जो भी आपकी पोजीशन है उसको 2% पे जैसी प्रॉफिट में आए आप एग्जिट कर दीजिए, नेक्स्ट खरीदारी आपको अगले दिन करनी है। और आप अगर थोड़ा सा भी समझदारी से काम करते हैं, अगर थोड़ा सा भी आप जो है आपका माइंडसेट बिल्कुल अच्छा है, बहुत बढ़िया है, और आपको यकीन है कि मैं चांदी में पैसा लग रहा है, तो आप जो है 5 टुकड़े करके भी अपने जो भी कैपिटल है, मैंने 1 लाख का एग्जाम्पल लिया, आपके पास 10,000 हो सकते हैं, आपके पास 10 लाख हो सकते हैं, आपके पास 5 लाख हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं, लेकिन उनको इतने ही टुकड़ों में डिवाइड करना है। तो आप अपना हर 2% की गिरावट पे चांदी में बाइंग कर सकते हैं, और हर 2 से 3% के प्रॉफिट पे आप जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जैसे आपका पोर्टफोलियो 2 से 3% प्रॉफिट में आए, आप वहाँ से प्रॉफिट बुक करिए, एग्जिट कीजिए, सारी पोजीशन को एग्जिट कर दीजिए, सारे यूनिट बेच दीजिए, नेक्स्ट डे आपको फिर खरीदारी करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा सर इतना। तो अगर ये स्ट्रेटजी आपको पसंद आई है और आप इसमें काम करना चाहते हैं, फिर भी आप अपनी जो है एनालिसिस कीजिए, अपनी रिसर्च कीजिए, अपने जो भी वित्तीय सलाहकार हैं उनसे आप सलाह लीजिए, उसके बाद ही काम कीजिए। और आप अपनी रिसर्च और टेक्निकल एनालिसिस करके, या जो भी आप एनालिसिस करना चाहते हो वो करके, तभी आपको किसी भी स्ट्रेटजी में, या जो है किसी भी ETF में, या जो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में काम करना भी चाहिए। तो मेरा वीडियो ये केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, तो आप एजुकेशन पर्पस के लिए लें, और निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन की घंटी को दबा के ऑल पे सेलेक्ट रखिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।